Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये थी जूही अपनी दुनिया में मगन, अपनी मोहब्बत को हासिल करने की धुन में साबित कदम। जूही उसे अपनी छोटी बहन निर्मला से बहुत प्यार था। जूही की मोहब्बत था अनिल, जिसे उसने बड़ी मुश्किलों के बाद हासिल किया था। जूही की शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। निर्मला को एक मुसलमान लड़के अरमान से बहुत प्यार था, लेकिन अरमान के लिए निर्मला को पाना एक बहुत बड़ा मसला था। अगर तुमने या निर्मला ने हमारे और ना माना तो हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट दराज करा देंगे। जूही ने इन दोनों को मिला दिया और इन्हें अपने शहर से कहीं दूर भेज दिया ताकि वो लोग महफूज रह सकें। अब जूही थी और उसकी प्यार भरी दुनिया। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। रंग ला गया कमलीनू ते मैं आप भुली ओदे रंग विच ये थी जैनी। जैनी अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी की असल वजह थी पीटर। जैनी दीवानों की तरह पीटर को चाहती थी, लेकिन पीटर के घर वालों के साथ रहना जैनी को मंजूर नहीं था। लेकिन पीटर ने जैनी को मना लिया और शादी करके जैनी को अपने घर ले आया। पीटर की माँ और बहन इस शादी के खिलाफ थीं और इसी वजह से पीटर की बहन और जैनी के झगड़े शुरू हो गए। पीटर की माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गई। जैनी पीटर की बहन से तंग आकर
अपने माँ बाप के घर चली गई और जैनी ने पीटर के सामने ये शर्त रख दी कि या तो पीटर जैनी को अकेले घर में रखे या फिर उसे छोड़ दे। जैनी जानती थी कि पीटर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। पीटर ने जैनी को बहुत समझाया लेकिन जैनी वापस पीटर के पास नहीं आई। जवेरिया के मायके में उसके वालिद दावर साहब जो कि नहायत शरीफ इंसान थे और वालदा जो नहायत तेज तराज खातून थी, एक छोटा भाई खावर और खावर की बीवी राबिया थे। किस्मत ने राबिया की गोद में बेटा नहीं डाला था बल्कि उसकी दो बेटियां थीं और यही बात राबिया की सास को नागवार गुजरती थी और वो हर वक्त राबिया को जली कटी सुनाती रहती थी। राबिया ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि उसका शौहर खावर उसके साथ था और उससे बहुत मोहब्बत करता था। खुश रहे बच्चा। और राबिया के ससुर दावर भी उससे शफकत से पेश आते थे क्योंकि राबिया इन सब की बहुत खिदमत करती थी। मुझे तो हसरत ही रह गई कि तुम्हें किसी काम का कहूं, तुम तो बगैर कहे सारे काम कर देती हो। आप लोगों की खिदमत करना ही तो मेरा फर्ज है। खुदा तुम जैसी बहू हर किसी को दे। जवेरिया अक्सर अपने घर वालों की पैसे से भी मदद किया करती थी क्योंकि खावर की तनख्वाह अक्सर घर को चलाने में कम पड़ जाती थी। जवेरिया की दिल खोल के पैसा खर्च करने की आदत की वजह से जवेरिया की कुछ सहेलियां भी अक्सर उससे फायदा उठाया करती थी। जूही अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालात ने पलटा खाया और अनिल ने जूही की पीठ में छुरा घोंपा। जब तक मकान मेरे नाम नहीं होगा आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल। रीत जले तो राख उड़ेगी क्यों रो रहा है तेरा दिल। अनिल ने पैसे की लालच में जूही का घर बेचा और फरार हो गया। जूही रोती बिलखती रह गई। अब जूही बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना उसकी माँ थी ना बहन उसके पास थी। जैनी अपना स्कूल चला रही थी, वही स्कूल जिसमें राबिया भी पढ़ाया करती थी। राबिया के जरिए जैनी की मुलाकात खावर से होती है और वो खावर पर फरिश्ता हो जाती है और खावर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। उदास हूँ मैं बहुत। उदासी की वजह? आज बर्थडे है मेरी। तौबा, अगर ये बात आप मुझे फोन पे बता देती तो मैं रबिया को भी साथ ले आता। उसे नहीं बुलाना चाहती थी मैं। मैं चाहती थी कि अपनी बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। आप ये तो मुझे आपकी डट लगाए रखी है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मुझे तुम कहां करो। मुझे लगता है कि तुम आज किसी से लड़कर आई। तुम्हारा लहजा बहुत अजीब सा हो रहा है। लड़ाई तो मेरे अंदर हो रही है बाबा। लेकिन क्यों? काश ये मैं तुम्हें बता सकती। मैं तुम्हारे लिए केक मंगवा। नहीं, हम साहिल पर चलें। ठीक है। मुझे विश नहीं करोगे? चने, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। राबिया को तो विश करते हो ना? हमें एक दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना कहे ही समझ जाते हैं। हम लफ्जों के मोहताज नहीं। समझ के तोड़ दिया है
तेरा दिल रीत चले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल, हाय क्यों रो रहा है तेरा दिल। इधर जवेरिया और अल्ताफ की लड़ाइयाँ अरूज पर थी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मनहूस औरत, मार दो जान से मुझे, खत्म कर दो ये कसाई इसी रोज। एक दिन मैं तेरी ये आरज़ू भी पूरी कर दूंगा। मुझे बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, नहीं लिए मैंने तुम्हारे पैसे। तेरे पास कहाँ से आए पैसे? मैंने चुराए थे इन्हें अपनी कमी से। चुराए? खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे पे हाथ भी उठाया तो। क्या कह रही है तुझे? चोरी की है तूने? अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहा है सलील। कोई चोरी नहीं की है इसने, बच्चा है समझ जाएगा। देख जवेरिया, तू खुद तो बिगड़ गई, अब तू मेरी औलाद को भी बिगाड़ रही है। बहुत बुरा कर रही है तू। कोई नहीं बिगड़ रही तुम्हारी औलाद, मैं हूँ इसके साथ इसका ख्याल रखने के लिए। तू है इसके साथ इसका ख्याल रखने के लिए। अल्ताफ उम्रा करने चला जाता है और वहाँ अपने सारे गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगता है। अल्ताफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान की सूरत में वापस आता है, लेकिन जवेरिया अल्ताफ की बदली शख्सियत को भी आंख भरकर नहीं देखती, क्योंकि जवेरिया के दिल में अब अल्ताफ के लिए सिर्फ नफरत थी, और इस नफरत की वजह थी जीशान। जवेरिया से उम्र में छोटा लड़का था। जीशान ने जवेरिया के हाथों में नोट देकर जवेरिया को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे इस कदर करीब होंगे। मैंने ख्वाबों और ख्यालों में जो अक्स तराशा था, आप उससे कहीं ज्यादा हसीन हैं। झूठ मेरे सामने लफाजी करके तो मुझे मुतासर करने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, 4:10 हो गए, अब मुझे जाना है। अगर जा सकती हैं तो चली जाए। नहीं, ऑफ कोर्स मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। वो ये जान चुका था कि जवेरिया के अपने शोहर अल्ताफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगी, बल्कि यहाँ तुम्हारे पास रहूंगी।
हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आ जाओ, अपना पूरा सामान लेकर आना। और हाँ अपने जेवरात अपनी अम्मा के पास छोड़कर आना। खराब हो गया क्या तुम्हारा? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। जवेरिया और जिशान की मुलाकातों के बारे में खावर को पता लग जाता है और खावर सारी हकीकत अल्ताफ को बता देता है। नहीं राबी, ये गुनाह है, जुर्म है, और मैं किसी गुनाह का शरीक नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्या मतलब? आपकी बीवी और मेरी बड़ी बहन, इनकी दोस्ती एक जीशान नामी शख्स है। क्या जवेरिया? और ये उसके साथ मिलकर आपको जहर दे रही थी। आप बैठे ये सब जानने के बाद अल्ताफ जवेरिया को तलाक दे देता है। मैं जवेरिया तुम्हें तलाक दे देता हूं। जवेरिया मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जवेरिया अपने घर टूटने का जिम्मेदार खावर को ठहराती है। जवेरिया अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जिशान जवेरिया के बैंक से सारा पैसा निकलवाता है और उसका जेवर भी बेच देता है। सारा पैसा मिलते ही जिशान जवेरिया को अपने घर में अकेला छोड़कर फरार हो जाता है। मैं मालिक हूँ इस फ्लैट का। जिशान साहब जाते हुए फ्लैट की चाबियाँ दे गए थे, प्लीज आप फ्लैट खाली कर दीजिए। अब जवेरिया कहीं की नहीं रही। अल्ताफ अपने बच्चों को लेकर दुबई चला जाता है। जवेरिया अपने ही भाई खावर के दुश्मन बन जाती है। उधर जूही की वीरान जिंदगी में मनोज ताजा हवा के झोंके की तरह आ जाता है। मनोज तुम जो कि एक जमाने में जूही के साथ पढ़ता था और जूही से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन जूही ने अनिल की वजह से मनोज की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। अब मनोज एक वकील है। मनोज बार बार जूही से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। डेट ना होता ना तो आज 4-5 बच्चों का बाप होता और अपनी पत्नी से हर वक्त लड़ रहा होता तो अच्छा तो था, तुम्हारा जीवन तो सफल हो जाता। मेरा जीवन तो तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो उसे संवार दो या बिगाड़ दो। क्या यह असंभव नहीं है? दुनिया में
कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मेरा तुम्हारा भी मिलन हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जूही का कहना ये था कि उसे अनिल का इंतजार है और जब तक अनिल और जूही का रिश्ता कायम है वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है। इन सब बातों से बालातर मनोज जूही की देखभाल करता रहा और उसके साथ रहता है। जैनी ने खावर को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया था और ये सब पीटर को पता लग जाता है। जैनी बहुत इनोसेंट है और आई एम श्योर कि तुमने उसे मिसगाइड किया। इस बहस का कोई फायदा नहीं है मिस्टर पीटर कि किसने किसको मिसगाइड किया। हकीकत यह है कि जैनी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और बस। लेकिन यह सब जहर उसके दिमाग में तुमने खोला है। तुम मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुमने जो आग मेरी जिंदगी में लगाई है तुम क्या समझते हो कि इसके शोले तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेंगे? अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारा मसला जैनी के साथ है और तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। जाओ जाकर जैनी से बात करो। उससे तो मैं बात कर लूंगा लेकिन पहले मैं तुमसे जरा। जो करना है कर लो लेकिन इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ फौरन। प्लीज लीव। और पीटर जैनी के कहने पर उसे तलाक देकर दुबई चला जाता है और खावर जैनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। राबिया बहुत रोती है लेकिन आखिर में वो अपने शोहर के आगे मजबूर होकर जैनी को तस्लीम कर लेती है। खावर की वालदा इस शादी को करवाने में खावर का पूरा साथ देती हैं लेकिन दावर इस शादी के खिलाफ होते हैं। जैनी इस घर में आकर अपना असल रंग दिखाती है और सारे घर के साथ नहायत बुरा सलूक करती है। बेटा एक कप चाय हमें भी पिला दो। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूं कि बार बार आप लोगों के सामने चाय पेश करती रहूं। उसे आवाज दे जो आप लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती। मुबारक हो अनिसा बेगम, बहुत इज्जत अफजाई कर रही हैं आपकी बहू बेगम। माशाल्लाह मुंह से फूल निछावर हो रहे हैं। अब्बा जी आपको क्या जरूरत पड़ी है बीच में चबा चबा कर जुमले देने की? बेटा मैं तुमसे बात नहीं करना पसंद करता। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है अप्पा जी। और मुझे तो यह समझ नहीं आता कि खावर आप लोगों को बर्दाश्त भी कैसे करता है। मैं तो दो दिन में फेड अप हो गई हूं। देख लिया निशा बेगम, मैंने कहा था ना ये लड़की आग लगा देगी इस घर में। देख लो इसने अपना काम शुरू कर दिया। मगर भैया जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप मौजूद थे और जब आज आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। या तो आप यहीं रहेंगे या मैं भी आपके साथ चलूंगी। बच्चों को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी बच्चों की जरूरत है। और जिसके लिए ये सब कुछ किया उसने तुम्हें क्या दिया? परेशानी, दुख, तकलीफ, टूटा हुआ घर। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल?
ATV, सारे रंग हमारे।